हाय, मैं हूँ रुंजुन सीजन विद सॉल्ट से। आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। ये सेम रेसिपी में थोड़ा सा फ़र्क करके मैं आपको दो स्टाइल की कुरकुरी भिंडी दिखाऊंगी। हमें चाहिए 250 से 300 ग्राम भिंडी। इसे मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है और सीड्स निकाल दिए हैं। फिर लेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 नींबू का रस और तलने के लिए तेल। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने भिंडी कैसे काटी है। तो इसे पहले आगे से और पीछे से काट लें, फिर इसे बीच में से काटे और जो भी सीड्स और एक्स्ट्रा सफ़ेद भाग है उसे निकाल दें और फिर इसे लंबे स्ट्रिप्स में काट लें। एक बात का ध्यान रखें कि भिंडी धोने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। अगर भिंडी थोड़ी सी भी गीली रह गई तो ये रेसिपी अच्छी तरह नहीं बनेगी। और इसका भी ध्यान रखें कि जो आप भिंडी यूज़ कर रहे हो सके उतनी फ्रेश हो। पुरानी टफ भिंडी से ये रेसिपी अच्छी तरह नहीं बन पाएगी। तो इस तरह सारी भिंडी को काट के रेडी कर ले। अब पहले मैं भिंडी में डालने वाली सारी चीजों को एक बाउल में मिक्स कर लूंगी। तो मैं लूंगी बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर और इसे एक बाउल में डाल के मिक्स कर लूंगी। नमक और चाट मसाला अभी नहीं डालेंगे और नींबू का रस भी हम बाद में यूज करेंगे। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये मिक्स भिंडी में डाल दें। मैंने इन चीज़ों को पहले इस तरह मिक्स कर लिया ताकि ये सब इवनली भिंडी पे चिपके। पहले आधा ही मिक्स डालें। भिंडी के सारे टुकड़ों को ये अच्छी तरह लग जाए फिर इसमें नींबू का रस डालें और फिर बाकी का ड्राई मिक्स डाल दे। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं कि सारा मसाला भिंडी में अच्छी तरह चिपक गया है। तो अब तेल गर्म होने पर इसे फ्राई कर लेंगे। शुरुआत में गैस हाई फ्लेम पे रखें। तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक करने में एक भिंडी डाल के देखूंगी। ये भिंडी के टुकड़े में बबल्स आ रहे हैं, तो तेल रेडी है। तो तेल में मैं आधी भिंडी डाल दूंगी। तेल में डालते समय इसे बिखरा कर डालें और इसे तेल में डालते टाइम ये भी ट्राई करें कि कम से कम लूज बेसन ले। ये हमारी पहले टाइप की भिंडी है। इसमें भिंडी पे बेसन कम है तो इसमें भिंडी का खुद का टेस्ट ज़्यादा आएगा। भिंडी का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन होने पर गैस का फ्लेम लो कर दे। अब इसे लो फ्लेम पर क्रिस्प होने तक फ्राई कर ले। तब तक हम दूसरी टाइप की भिंडी बनाने के लिए मिक्स में 2 टीस्पून पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी वजह से इसमें ज्यादा बेसन चिपकेगा और बेसन का लेयर थोड़ा थिक बन जाएगा। अब इतनी देर में पहली भिंडी क्रिस्प हो गई है तो इसे तेल में से निकाल लेंगे।
और जैसे ही यह बाहर आए इस पे नमक और चाट मसाला डालेंगे। इसे मिक्स कर दे। अब गैस का फ्लेम फिर से हाई कर दे और इसमें हमारी दूसरे टाइप की भिंडी डाल दे। ये पहले टाइप की भिंडी बहुत ही क्रिस्प बन गई है। इस वाली भिंडी में बेसन ज्यादा है इसलिए जल्दी जल सकता है, तो इसे बहुत ब्राउन होने तक ना तले और थोड़ा पहले ही निकाल ले। ये हो गया है तो इसे भी तेल से निकाल लेंगे। और इस पर भी तुरंत नमक और चाट मसाला डालेंगे। नमक अगर भिंडी फ्राई करने से पहले डालते तो भिंडी पानी छोड़ सकती थी और फिर वो चिपचिपी हो जाती, इसीलिए नमक तलने के बाद ही डालें। इसे टेस्ट कर ले, इसमें थोड़ा नमक और चाट मसाला और चाहिए तो मैं वो डाल दूंगी। तो हमारी दोनों तरह की भिंडी बन गई है। आप दोनों भिंडी में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। दोनों ही बहुत क्रिस्प और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अगर आपको ये दो तरह की कुरकुरी भिंडी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।